नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उत्तरमुखी प्लाट पर घर का वास्तुन को निर्माण कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये एक उत्तरमुखी प्लाट है। इस प्लाट में आगे बहुत बड़ा हिस्सा खाली है। ये मेरे द्वारा ही बनवाया गया है, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा है। ये जो टैंक बताया बहुत आगे जाकर है, वो टैंक समझ लीजिए। और यहाँ इसका मतलब मैंने आगे नॉर्थ में जाके यहाँ पर जो है, देखिए आप देख रहे हैं नॉर्थ यहाँ लिखा हुआ है। ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ में यहाँ पर मैंने एक इस दरवाज़ा रखा है बड़ा। नॉर्थ में यहाँ पर एक टैंक मैंने यहाँ बनवाया है, एक नॉर्थ में, एक टैंक ईस्ट में यहाँ बनवाया है। दोनों को आपस में जोड़ा है क्योंकि ईशान कोण में पूर्व और उत्तर दिशा में जो दो टैंक बने हैं, इसके कारण परिवार में पैसे की आवक अच्छी रहती है, कहीं ना कहीं से धन आगमन होता रहता है। उत्तर में यदि टैंक होता है तो प्रतिष्ठा बढ़ती है परिवार की, वो ध्यान रखा है। और ये जो घर देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ से ये एंट्री है, ये ड्राइंग रूम है इनका, और यहाँ पर जगह खाली है। और ये जो सीढ़ियाँ घर में को 2.5-3 फीट की हाइट है, तो स्टेप देख के ऊपर आ रहे हैं। इसके ऊपर छत नहीं है, यानी ये हिस्से पर छत नहीं है, इतने पर ये ओपन है यहाँ तक, ये ठीक है ना। हाँ, बालकनी निकली हुई है, तो बालकनी बाहर है, बाकी ये हिस्सा ऐसा है। तो ये हम इसको बढ़ाव नहीं कहेंगे ईशान कोण का, ठीक है ना। ये नहीं है यहाँ पर, ये 3 स्टेप और ये आगे अंदर आ गए, ठीक है ना। हम इधर से इधर जगह नहीं थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। इधर कम है जगह, इससे कम जगह हमने यहाँ छोड़ी है। उत्तर पूरा छोड़ा हुआ है, दक्षिण में भी हमने जगह बहुत कम छोड़ी है, है ना। और ये प्लाट जो तिरछा था, ये देख रहे हैं आप ग्रे कलर, ये पतला हो रहा है। ये हमने इसको सीधा करा है, ये हिस्सा हमने अलग करा है, क्योंकि ये यानी कि पश्चिम साथ में पश्चिम में बढ़ाव था, तो हमने बढ़ाव को ख़त्म करा है आखिरी तक। ये लगभग 100 फीट लंबा है, तो पूरा इसको सीधा करा हमने, ठीक है। ये दीवार सीधी थी, यहाँ भी तिरछापन है, यहाँ पर भी, तो इसको थोड़ा तिरछापन को सीधा करा है, ठीक। ये उत्तर ईशान का द्वार है, ये अंदर जाने का द्वार, एक द्वार ये रहा, ये लिविंग लॉबी है, ये बेडरूम है, ये दक्षिण अग्नि का गेस्ट रूम है, का ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ये किड्स रूम है। यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद दक्षिण अग्नि से अंदर आए, ये इनके टॉयलेट बंक ड्रेस है, और ये बेडरूम हो गया किड्स का, ये गेस्ट रूम हो गया। इसके बाद ये पूजा हो गई मध्य पूर्व में, ये स्टोर हो गया, किचन है, ये किचन जो हो गया, इसके प्लेटफॉर्म से फ्रिज है, ये ऊपर जाने का सीढ़ियाँ हैं, ये मास्टर बेडरूम है, और ये इसको मतलब यानी कि ड्रेस टॉयलेट है, ये कॉमन टॉयलेट है, यहाँ से आकर ये वॉश बेसिन लगेगा, ठीक है ना। और ये इसका टॉयलेट हो गया, तो एक बेडरूम ये हो गया, ये गेस्ट रूम है, तो इसके लिए कॉमन टॉयलेट दे दिया गया है, ठीक है। किड्स को दे दिया, इसको टॉयलेट दे दिया, तो इस तरीके से छोटा परिवार है, मियाँ बीवी दो बच्चों का, ठीक है, उनके लिए बनाया ये। और ऊपर जाके ये सीढ़ियाँ बनने के बाद इन्होंने आगे ओपन रखा हुआ है, और ऊपर जाके जो है एक बेडरूम ये और एक बेडरूम ये है, और ये इसका स्टोरी इस तरीके से। और आगे बहुत बड़ा एरिया इन्होंने यानी कि छज्जा डाल रखा है, ताकि ओपन लॉबी जैसी बना रखी है ऊपर, ठीक। यहाँ पर ये जो है, ये देख रहे हैं आप, ये कवर्ड बरांडा है। ये कवर्ड बरांडा लगभग यहाँ कम शो हो रहा है, पर 10 फीट का बरांडा दिया बरांडा, ताकि यहाँ लोग बाहर बैठ सकें, और कवर्ड है बरांडा ये। तो ये पूर्णतः वास्तुनुकूल तरीके से बना हुआ मकान है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।